हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा था कि पिछले कुछ दिनों से हम एक टॉपिक पर काम कर रहे थे, तो आज है गाइस हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन्स एंड लेडीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आई विश ऑल देम हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड पेइंग माय रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू। तो गाइज, मैंने एक इनिशिएटिव लिया था कि येस आई विल फॉर्म अ ह्यूमन चेन, जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कुछ लोगों से एक मैसेज, एक विश टू ऑल द वुमेन्स विशिंग इंटरनेशनल वुमेन्स डे इन देयर ओन स्टाइल। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, कई लोगों के मैसेजेस भी आए, वीडियो मैसेजेस भी आए, कई लोगों के टेक्स्ट मैसेज भी आए, तो वो सब मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाने वाला हूँ। तो आज हम बेसिकली, क्योंकि वुमेन्स डे है, तो हम लोग बात करने वाले हैं वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। तो यस, व्हाट इज द वुमेन इज अबाउट। वुमेन क्या है? वुमेन इज अ सर्कल। वुमेन एक मैजिकल पावर है विच कैन क्रिएट, विच कैन नर्चर एंड विच कैन ट्रांसफॉर्म। वुमेन के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो बना भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। जो एक पावर वुमेन को भगवान ने दी हुई है, राइट, एक जनरेशन जहाँ से स्टार्ट होती है, वो जनरेशन जो स्टार्ट करती है वो एक वुमेन ही होती है। वुमेन के बिना कोई भी जनरेशन, कोई भी सियासत, या कहते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो वो जो एक पावर मिली हुई है वो वुमेन को ही मिली हुई है। तो यस, वुमेन इज द मैजिकल पावर विच कैन क्रिएट, विच कैन नर्चर एंड विच कैन ट्रांसफॉर्म। हमारे आसपास हम पूरी लाइफ में देखते हैं कि एक नए जीवन की शुरुआत एक औरत की वजह से ही होती है। एक औरत ही एक नए जीवन को जन्म देती है और एक औरत ही उस जीवन को आगे बढ़ाती है, जिसे कहते हैं वंशवाद, या वंशवाद जिसे हम कहते हैं। तो वंश जो आगे बढ़ता है वो भी एक औरत की वजह से ही बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि वो एक मैजिकल सर्कल विच इज़ क्रिएटेड बाय अ वुमेन स्पेसिफिकली। तो यस, वुमेन हैज़ द पावर एंड वुमेन हैज़ द मैजिकल पावर टू बिल्ड लाइफ, टू क्रिएट लाइफ एंड टू बिल्ड लाइफ। क्या कहते हैं ना, वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो एक बहुत पुराने जनरेशन के टाइम से, या एक बहुत पुराने टाइम से, एक हमारी सोसाइटी में, जिसे हम कहते हैं कि पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि पितृसत्ता, तो पितृसत्ता एक अभिशाप यानी कि एक बूम की तरह है वुमेन के लिए, जो कि एक कहते हैं ना एंशियंट एरा से और आज तक की दुनिया में एक सोच एक डेवलप हो गई है हमारी सोसाइटी के अंदर कि यस, पुरुष हमेशा, पुरुष जो होता है अ मैन, कैन क्रिएट, कैन ओवर पावर अ वुमेन। तो वो अपना दबदबा हमेशा महिला के ऊपर बना के रखता है। तो उससे सिर्फ द थिंग यू विल अंडरस्टैंड हियर इज कि उससे सिर्फ वुमेन को ही दिक्कत नहीं होती है, मैंस को भी दिक्कत होती है। एंड हाउ आई पर्सनली, मैं हूँ या मेरी कम्युनिटी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं या मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, एंड हाउ आई एम पर्सनली गोइंग टू मोटिवेट, या मोटिवेट तो नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन हाँ, हमारी क्या कोशिश रहेगी टू क्रिएट फोकस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, इसके लिए हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, पितृसत्ता के चलते एक एंशियंट एरा से और आज तक के टाइम में ना एक ऐसी सोच बन के रह गई है डेवलप कि हाँ, पुरुष हमेशा एक दबदबा बनाए रखना चाहता है औरत के ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ की ग्रोथ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन की ग्रोथ, एक मैन की भी ग्रोथ मेंटली कहीं ना कहीं रुक जाती है, क्योंकि उससे ना रिलेशन में कॉम्पैटिबिलिटी नहीं आ पाती और आजकल के रिलेशंस इसीलिए बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक मेंटल स्टेट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना अगर एक ये सोच ऐसी रही कि पुरुष ही हमेशा एक औरत पे दबदबा बना के रखेगा, या फिर एक सोच ऐसी रही कि औरत के अंदर भी कि अगर वो मीन्स शी इज़ वीक, वो कमज़ोर है और उसको हमेशा पुरुष से दबके ही रहना है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक मेंटल स्टेबिलिटी कभी मैच नहीं कर पाएगी और वो रिलेशनशिप बॉन्ड कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। सो गाइज, आज की डेट में वुमेन को एम्पावर करने के लिए, वुमेन को पावरफुल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू मेक हर एजुकेटेड। एक एंशियंट एरा में टाइम ऐसा भी रहा है कि जहाँ पे वुमेन्स को पढ़ने नहीं दिया जाता था, बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम फर्स्ट कहते हैं कि फर्स्ट एजुकेशनल टीचर या फर्स्ट टीचर ऑफ इंडिया सावित्री बाई फुले जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, जहां महिलाओं को शिक्षित करने का एक वो इनिशिएटिव उन्होंने लिया था, और वहां से महिलाओं की पढ़ाई के ऊपर फोकस किया जाने लगा था। लेकिन इन 2023, इन टुडेज एरा ऑल्सो, अगर हम बाहर निकलें अपने यहाँ के स्काई लाइन से, या एक हाई राइज सिटीज़ से अगर हम जाते हैं कि थोड़ा सा आगे, हम नॉर्थ रीजन में ही ले लेते हैं कि अगर हम क्रॉस करते हैं गुड़गांव क्रॉस करने के बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चले जाएं हरियाणा के गाँव में, तो आज भी वहां लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले इस सोच को बदलना ज़रूरी है, लड़कियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज लड़कियां पढ़ पाई तभी वो आगे जाके एक स्ट्रांग और पावरफुल वुमेन बन सकती हैं। क्या है ना कि किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, या किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए वहाँ के हर जेंडर का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहाँ के मेंस डेवलप कर गए या
वुमेन्स डेवलप कर गई। चाइना हमसे पॉपुलेशन में कहीं ज़्यादा था, लेकिन आप मानोगे कि वहाँ पे जो है लड़कियों की आबादी लड़कों से ज़्यादा है, और प्लस वहाँ वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री क्यों है, वहाँ पे आज भी अगर आप एम्प्लॉयड लोग देखोगे ना तो वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा काम करती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। ट्रक ड्राइवर भी होती हैं लड़कियाँ, ट्रक भी चलाती हैं वहाँ बड़े बड़े। इंडिया में क्या होगा कि अगर कोई लड़की 10 बजे के बाद घर से बाहर भी निकल गई ना तो उसके कैरेक्टर तक पे सवाल आ जाता है। दिस इज़ द बिटर ट्रूथ ऑफ इंडियन पैट्रियार्कल सोसाइटी। बट क्या होता है कि उसके कैरेक्टर तक पे सवाल आ जाता है अगर कोई लड़की 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद लेट नाइट कहीं भी बाहर निकल जाती है तो लोग उसके कैरेक्टर तक पे सवाल उठा देते हैं। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। इस सोच को बदलना पड़ेगा। किसी के घर में कोई बहू काम करती है या किसी के घर में कोई नई शादी होके लड़की आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ इंडियन पैट्रियार्कल वही पितृसत्ता वाली जो चीज़ें आ जाती है कि पुरुष कैसे दबदबा बनाता है। जस्ट मैं एक मजाकिया किस्सा सुनाता हूँ यहाँ पे। ये मैंने ऑब्जर्व किया था इंडियन सोसाइटी में, बहुत ही एक गांव में मैं गया था तो वहाँ मैंने देखा था कि एक घर में ना बहुत झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक जॉइंट फैमिली है वहाँ घर में झगड़ा चल रहा है प्रॉपरली। क्या हो रहा है कि बहू नई आई थी शादी करके तो उसको कह रहे कि सब लोग उसके पीछे पड़े हुए, जो उसके सास है, ससुर जी हैं, जेठ है, जेठानी है, तो वहाँ उसके पीछे पड़े हुए कि भाई बहू घर से बाहर निकली, घर से बाहर निकली मतलब अपने कमरे से बाहर आई और उसने घूंघट नहीं किया हुआ था, तो उस चीज़ को लेके वहाँ पे वो ब्लेंडर चल रहा था, उसके ऊपर सब लोग गुस्सा कर रहे थे। देन सडनली ऊपर से ना, मतलब एक बालकनी जैसा एरिया था तो सडनली ऊपर से उसके बहू के ससुर जी यानी कि उसके फादर इन लॉ आते हैं पेट खुजाते हुए, बनियान पहना हुआ है उन्होंने, बस पेट खुजाते हुए आते हैं, लुंगी पहनी हुई है, और उसको आके मतलब उन्होंने लिटरली गालियां भी देना शुरू कर दिया। तो दिस इज़ द इंडियन पैट्रियार्कल सोसाइटी की आदमी बनियान के बिना भी पेट खुजाता हुआ बालकनी तक आ सकता है, लेकिन बहू उसने साड़ी पहन रखी है लेकिन उसका घूंघट फेस के नीचे होना चाहिए। तो ये कहाँ का इक्वालिटी है, कहाँ की जेंडर इक्वालिटी है, कहाँ का ये वुमेन एम्पावरमेंट है? दिस शुड बी रेज्ड एंड दिस शुड बी रेज्ड इन आर माइंड्स। ये सब चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है एक लेडी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वुमेन आगे बढ़ेगी तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आपकी फैमिली आगे बढ़ेगी, तभी आपकी कंट्री आगे बढ़ेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। कि किसी के घर लड़का हो गया तो ठीक है, लड़की हो गई तो बहू पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, जिन लोगों ने साइंस पढ़ी होगी उनको अच्छे से पता होगा कि जब भी एक बेबी होता है तो उसके पीछे जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन मैन, उसमें औरत की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी औरत को ही वहाँ पे ब्लेम किया जाता है कि इसको सिर्फ लड़कियाँ ही होती हैं। तो ये सोच भी बदलनी पड़ेगी इंडियन सोसाइटी में, तभी वुमेन एम्पावरमेंट आएगा। देन क्या होता है कि वुमेन से रिलेटेड क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं तो उन क्राइम्स को भी कम करना बहुत ज़रूरी है। जब तक मेंटेलिटी ठीक नहीं होगी वो क्राइम्स भी कम नहीं होंगे। 2012 का निर्भया कांड सबने देखा हुआ है, वहाँ पे सबको एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, हाइप्ड अप हो गए, लेकिन उसके बाद क्या वैसा कुछ हुआ नहीं इंडिया के अंदर। वो एक ही केस क्यों हाइप्ड अप हुआ, कभी किसी ने सोचा? नहीं सोचा। उसके बाद 2012 के बाद अभी एक रिसेंट वाला हम केस ले लेते हैं जहाँ पे एक लड़की को ड्रैग किया गया था बलेनो कार से लगभग 8-10-12 किलोमीटर तक चार लड़कों से न्यू ईयर के टाइम पे। तो वहाँ पे मैं ना एक जस्ट ऐसे ही रिव्यूज़ ले रहा था लोगों के, मैं पूछ रहा था, मतलब लोगों के रिव्यूज़ में जानना चाह रहा था कि क्या कहना चाहते हैं लोग उस बारे में। तो वहाँ पे भी जो है ना एक सो कॉल्ड हमारी इंडियन सोसाइटी का एक तबका ऐसा था, एक जिसे मैं अपनी नज़र में कहूँगा एक बहुत ही गंदा समाज ऐसा था जो कह रहा था कि लड़कियाँ 11 बजे रोड पे कर क्या रही थी, लड़कियों की गलती थी, लड़कियाँ रोड पे रात को 11 बजे कर क्या रही थी, क्यों भाई न्यू ईयर तुम्हारा ही है क्या, तुम ही सड़क पे भटक सकते हो। किसी के लिए भी भाई, एवरीवन इज फ्री। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना तो वहाँ किसी ने ये नहीं लिखा था कि लड़कियाँ आज़ाद नहीं हुई हैं या लड़के आज़ाद हुए हैं, पूरा देश आज़ाद हुआ था, वहाँ लड़के, लड़कियाँ, बच्चे, बूढ़े सब लोग आज़ाद हुए थे। तो एवरी वन हैज़ अ इक्वल राइट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वी आर नोबडी टू जज। और मैं क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ उन लोगों को कि भाई ये जजमेंट छोड़ दो। निर्भया वाला केस जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे तो निर्भया के बाद बहुत सारे केस हुए, तो एक तबका ऐसा था जो वहाँ निर्भया के लिए लड़ाई कर रहा था और एक दूसरा तबका एक
समाज का एक छोटा सा पार्ट ऐसा भी था, कुछ ह्यूमन राइट्स के लोग उन्हें डिफेंड करने के लिए भी खड़े हो गए थे और लिटरली एक लड़के को नाबालिग करा देके छोड़ ही दिया गया था। वो आप सब लोगों ने न्यूज़ में, वो बहुत अच्छे से सब लोगों ने केस में स्टडी किया ही होगा। तो क्या है ना कि ये सब सोच को बदलना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि कुछ वुमेन, आई एम नॉट जजिंग एनीवनस कैरेक्टर या यहाँ पे मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ, बट क्या होता है कि कहीं कहीं थोड़ी सी गलतियाँ ऐसे हो जाती है कि कुछ वुमेन, आई एम सेइंग कि दैट वन इन लैक्स होता होगा ऐसा, कि कहीं पे क्या होता है कि कुछ जगह गलतियां भी अगर वुमेन की होती है तो वहाँ पे वो वुमेन कार्ड खेलना शुरू कर दिया अननेसेसरली। तो उससे क्या होता है कि ये सब मत करो। मैं वुमेन्स के लिए भी एक एडवाइस दूंगा कि यार ये सब मत करो। उससे क्या होता है ना कि एक वुमेन अगर जेन्युइनली प्रॉब्लम में है ना, तो आपकी वजह से उसको भी हेल्प नहीं मिल पाएगी, राइट? तो ये सब मत करो। अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, देन यू कैन डिस्क्लोज, यू कैन डिस्कस विद एनीवन इन द सोसाइटी, आई मीन होम आर यू ट्रस्टिंग, जिस पर आप ट्रस्ट करते हो उससे डिस्कस करो। हमारे पास लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पुलिस तक जाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनसे सपोर्ट ले सकते हो। रेप एक बहुत, चार अक्षर का वर्ड है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। रेप्स जो होते हैं वो घर के बाहर होते हैं, देन इट विल बी काउंटेड एज रेप। बट डू यू नो द फैक्ट कि भाई इंडिया के अंदर ना, जो इंडियन सोसाइटी है उसमें घर के अंदर कितने रेप्स होते हैं, वो कभी काउंटिंग में भी नहीं आएगा। बट येस, देर इज़ अ लॉ, देर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, देर आर मैनी थियरीज विच कैन स्टेट दैट इफ अ वुमेन इज गेटिंग सेक्शुअली असोल्टेड बाय हर हजबेंड, दैन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेप। डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं इंडिया के अंदर, तो डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट करो। डोमेस्टिक वायलेंस को कभी मत सो, डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट करो। और मैं तो यही कहता हूँ यार, एक्शन लो। पुलिस आएगी, बिल्कुल आएगी, पुलिस सपोर्ट भी करेगी, लेकिन अगर तुम्हें कोई 10 मारता है ना, एक घुमा के वापसी मार के तो देखो, 11वां नहीं आएगा, ये मैं लिख के देता हूँ। अगर 10 डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं ना, तो 9 इस सॉल्यूशन से बंद हो जाएंगे। जब तुम्हें 10 लग रहे हैं ना, एक बार एक घुमा के लगा दो, 11वां नहीं आ सकता। तो ये 10 में से 9 केस में ये सॉल्यूशन प्रैक्टिकली सक्सेसफुल है, इसको लगा के देख लो। और हमेशा कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस को कभी सहो मत, हमेशा उसे रिपोर्ट करो, बाद में देख लेंगे सही होगा या गलत होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एज अ वुमेन आप उस चीज़ का सुप्रीमेसी लो कि आपको लॉ मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। जैसे एक सिनेरियो हमने देखा था अभी, एक साउथ इंडिया की एक वीडियो वायरल हुई थी, जहाँ पे एक लड़की के अपने भाई से ही लड़ाई हो रही थी गाड़ी के अंदर, एंड शी वॉज, वो चिल्ला रही थी हेल्प 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 करके। तो दो लोगों ने पीछे जो बाइक से आ रहे थे, उन्होंने वीडियो बनाई, पुलिस को रिपोर्ट किया। देन नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो वुमेन कह देती है कि भाई मेरी और मेरे भाई की लड़ाई थी, वाई दे इंटरफेयर्ड, और उन्हीं दो लड़कों पे केस कर दिया जाता है टू शूट देयर वीडियो, कि इन्होंने हमारा पर्सनल वीडियो शूट किया है। ठीक है, आप रोड पे चिल्ला क्यों रहे थे हेल्प हेल्प? यू आर एक्सपेक्टिंग द हेल्प फ्रॉम द पब्लिक, एंड वेन समबडी ट्राइज टू हेल्प यू, देन यू आर ट्राइंग टू डिफेम दैम, दिस इज नॉट डन। तो यहाँ पे थोड़ा सा वुमेन्स को भी सोचना पड़ेगा। तो यस, यही सब पॉइंट्स हैं यार वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। मैं चाहता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस बंद हो, वुमेन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम हो। तो ये सब चीज़ें सबको ही सोच के चलनी पड़ेगी, और ये सिर्फ वुमेन्स का ही काम नहीं है, ये सिर्फ मेंस का ही काम नहीं है, ये घर, लोग, समाज, और जो ये सो कॉल्ड इंडियन सोसाइटी जिसके तले आज वुमेन बहुत ज़्यादा दबके रह गई है। लर्निंग कभी बंद मत करो। लर्निंग फ्रॉम द एज ऑफ, जहाँ से बच्चा नर्सरी में एडमिट होता है ना, नर्सरी में उसका एडमिशन होता है, वहाँ से टिल द एज यू डाई, रोज़ नई टेक्नोलॉजी आती है, रोज़ नए अपग्रेडेशन आते हैं। पहले हम वो बटन वाले फ़ोन इस्तेमाल करते थे, फिर स्मार्टफोन्स आ गए, फिर आईफोन्स आ गए, उसमें भी अलग अलग टेक्नोलॉजी, एंड्रॉयड 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई। तो उन टेक्नोलॉजीज़ की तरह अपनी यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है ना, यहाँ की जो मेमोरी है, यहाँ की जो सेंसिबल रैम, हार्ड डिस्क, जिसको जो भी कुछ हम इस माइंड को कहते हैं ना, इसको भी अपग्रेड करना ज़रूरी है। लर्निंग कभी मत छोड़ो, दुनिया में कभी भी कहीं भी आगे बढ़ना है ना, लर्निंग मत छोड़ो। कोई एज नहीं होती आगे बढ़ने की, तो आगे बढ़ने के लिए पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है, अपग्रेड होते रहना बहुत ज़रूरी है। तो अपग्रेड होते रहो, सोच को बदलो, तभी कुछ बदलेगा। नहीं तो ध्यान रखना कि कल को आपकी सिस्टर भी होगी, आपकी बेटी भी होगी, आपकी पोती भी होगी, एक्स वाई जेड। आई कैन से कि यार बेटी, बहन, माँ सबके घर में होती है। किसी भी औरत को, किसी भी बेटी को, या किसी भी माँ को, मतलब किसी भी फीमेल को जज करने से पहले ना, उस पर कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले
अपने आसपास देख लेना, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में बहुत सारी लड़कियां होंगी, और वहां ये एक सिनेरियो अपने ऊपर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखना कि इफ ये मेरे, आई नो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि अगर ये यहाँ होता तो कैसा होता। तो यही मैसेज था यार, और आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस भेजे, तो कुछ सिलेक्टेड जो मुझे अनऑब्जेक्शनेबल लगे तो वो मैं आगे डिस्प्ले कर रहा हूँ, देख लो। हेलो एवरीवन, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। सो इस वुमेंस डे पे मेरा एक ही मैसेज है सभी वुमेंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट बी इंडिपेंडेंट, यू मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज यू हैव टू डू द मल्टीपल टास्क। अगर हम अपने सोसाइटी को देखें तो मैन सिर्फ एक ही काम करते हैं, अगर वो घर में बाहर जा रहे हैं कमा रहे हैं तो हाँ सिर्फ उनका काम है बाहर जाना कमाना, लेकिन अगर लेडीज है, लेडीज वर्किंग है, उसके साथ साथ उसे घर के बहुत सारे काम भी देखने होते हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के टाइम में हम सब लोग भूल चुके हैं, नॉट ओनली मैन एंड वुमेन, एवरी वन मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। और वुमेन्स को तो इतने सारे टारगेट्स होते हैं डेली में, इतने चैलेंजेस होते हैं, भाग दौड़ होती है, तो उनको अपना थोड़ा हेल्थ के ऊपर भी अब ध्यान देना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम हेल्दी रहेंगे तभी हम और ज़्यादा अच्छे से कोई भी काम कर पाएंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ। सो मेरा एक यही मैसेज है कि सभी वुमेन्स आप स्ट्रॉन्ग रहो, हेल्दी रहो और इंडिपेंडेंट रहो। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। हे हाय गाइस, आई एम रेखा नेगी फ्रॉम मुंबई। इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल वुमेन्स, सो आई वांट डेडिकेट दिस सॉन्ग फॉर ऑल वुमेन्स। जीत की है वश नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे। वीमेंस डे पे मेरा एक मैसेज है सभी वीमेंस को कि मैं यार एक बात मतलब ज़्यादा क्या बोलता हूँ कि बी ओरिजिनल वर्जन ऑफ यू, क्योंकि जब तक तुम ओरिजिनल हो जब तक तुम हो, नहीं तो आप नहीं हो। किसी के लिए अपने आप को मत बदलो। गाइस, दिस इज अजय गोस्वामी, विश यू ऑल अ हैप्पी वुमेंस डे। रिस्पेक्ट वुमेंस, क्या फर्क पड़ता है औरत अपने घर की और बाहर की, औरत औरत होती है, औरत की इज्जत करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, हैप्पी वुमेंस डे। मेरा वुमेंस डे पर एक ही मैसेज है कि हम औरतें शादी के बाद हम कहीं खो सी जाती हैं, खासकर शादी होने के बाद में हम अपनी इच्छाओं को, हम अपनी कुछ भी अपनी ख्वाहिशें हों उन्हें हम किसी के सामने नहीं रख पाते कि हमारे हस्बैंड क्या कहेंगे, हमारे सास ससुर क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। ऐसा ना करें, जो भी है अपने मन में, अगर कोई आपको कुछ चीज़ बुरी लगती है, अच्छी लगती है, झिझक बेझिझक सबके सामने रखिए, अपने हस्बैंड से, अपने परिवार में सबसे कहिए। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कनिका, आई विश यू अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आई वुड लाइक दिस अपॉर्चुनिटी टू से अ कपल ऑफ थिंग्स। Number one, that if you are a woman, then it's a very big blessing. You must be very, very proud of yourself. And secondly, I would like to show my gratitude and I would like to say thanks to all the men who think and who practice that women are equal to them. So thank you. Namaste. मैं डॉक्टर नेहा गोस्वामी, और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक ऐसा दिन जहाँ पर हम महिलाओं का होना सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं महिलाओं के, जिनसे महिलाएं जूझ रही हैं, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट हो, मेंटल हरासमेंट हो, वॉयलेंस हो, चाहे वो लोअर पे हो, चाहे वो लेक ऑफ एजुकेशन हो, इन सारी समस्याओं से महिलाएं जूझ रही हैं। तो ऐसे में हमें उनका हौसला बढ़ाने की जरूरत है, तो एक ये दिन मिलता है हमें सेलिब्रेट करने के लिए। तो आइए हम सब मिलकर अपने आसपास जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो हमारी माँ है, बहनें हैं, बेटी है, हमारी पत्नी है, हमारी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हम उन सभी का हौसला बढ़ाएं, उन सभी का सम्मान करें। और मैं
ये बात कहना चाहूंगी कि महिलाओं को शिक्षा दें, उन्हें पढ़ने दें, और शिक्षा देंगे तो वो आत्मनिर्भर बनेंगी। आत्मनिर्भरता ही महिलाओं को हर एक समस्या से उभार सकती है। जितनी भी समस्याएं हैं महिलाओं को लेकर, अगर वो आत्मनिर्भर बनेंगी तो वो ये सारी समस्याओं से उभरेंगी। तो इसलिए उन्हें शिक्षित जरूर कीजिए, उन्हें जरूर पढ़ाइए, और जो वो करना चाहती है उन्हें करने दीजिए। आजकल की महिलाएं बहुत एम्पावर हैं, बस उन्हें हल्का सा सपोर्ट की जरूरत है, वो हम पूरे समाज को मिलकर देना है। Being a woman is such a superpower, and I still don't know how you do it all with such grace. So happy Women's Day to all the superheroes in my life, and happy Women's Day to all the incredible ladies, shining ladies. नमस्कार, मेरा नाम योगिता है, मैं क्रेजी कुकरी की फाउंडर हूँ। आज मैं आपके सामने विमेन डे पे अपनी लिखी हुई एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बेटी ओ बेटी, तू किस माटी की बनी है, ना जाने ऐसी रीत किसने बनाई है, तू तो जन्म से ही पराई है। ना मायका तेरा, ना ससुराल तेरा है, ना पति तेरा, ना घर बार तेरा है, ना जाने कैसी घड़ी है, पर तेरे मन की किसको पड़ी है। बेटी ओ बेटी, तू किस माटी की बनी है। कहने को तू त्याग की मूरत है, फिर भी जग को तेरी क्या पड़ी है। चाहे सारा जीवन समर्पण में निकाल दे, चाहे दूसरों के लिए खुद को नकार दे, पर जमाने की रीत बड़ी अड़िग है। बेटी ओ बेटी, तू किस माटी की बनी है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आई जस्ट वांट टू गिव अ स्मॉल मैसेज टू ऑल वुमेन्स कि आज की डेट में हम हर जगह कहीं भी किसी भी फील्ड में किसी से भी कम नहीं है, चाहे घर हो या ऑफिस, बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, राइट। बट आज भी ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे वुमेन्स को दबाने की कोशिश की जाती है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जाती है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल वुमेन्स कि हम आज इस वुमेन्स डे पर खुद से ये प्रॉमिस करें कि हमें किसी से भी दबने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ कर गुजरने की ज़रूरत है। हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, जस्ट कीप इट आउट एंड ग्रो अप मोर एंड मोर। ओके, बाय। हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे टू ऑल ब्यूटीफुल वुमेन। मेरा मैसेज इस वुमेन डे पे ऑल वुमेन को ये है कि आप हर काम बहुत ब्यूटीफुली करती हैं, उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज भी करें, क्योंकि आप फिट रहेंगे तो हम सब फिट रहेंगे। स्टे फिट एंड ब्लेस्ड। नमस्कार। हेलो एवरीवन, हैप्पी वुमेन्स डे। तो ये सब थे यार मैसेजेस आप लोगों के, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट यू हैव शोन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना लोगों के साथ, वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाओ। और वुमेन एम्पावरमेंट के, वुमेन आगे बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। बस एक मेरा स्टेटमेंट याद रख लेना कि वुमेन हैज़ द मैजिकल पावर टू क्रिएट अ न्यू लाइफ, टू बिल्ड इट, टू नर्चर एंड टू ट्रांसफॉर्म। और आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे मैसेज दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार। ये जो है ना, ये फ्री का बटन है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है और आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, लेकिन सब्सक्राइब करोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे को सपोर्ट मिल रहा है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।